भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान के नारे लगने पर बीडी शर्मा ने निशाना साधा। शर्मा ने कहा कि कमलनाथ ने पूरी यात्रा को एक्सपोज कर दिया। कमलनाथ ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस ने बीजेपी पर झूठी एफआईआर कराई है, कांग्रेस को इस पर माफी मांगनी चाहिए। कमलनाथ जी ने पूरी यात्रा को एक्सपोज ही कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और वो वहां पर लाइव चल रहा था तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर वो अपलोड हो गया और हमने डिलीट कर दिया। अरे कमलनाथ जी, आपको अब इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे आपने स्वीकार किया, आपने हमारे कार्यकर्ताओं पर गलत एफआईआर की और इस मध्य प्रदेश की धरती पर आपने जो कलंकित किया इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा और मध्य प्रदेश से 8.5 करोड़ जनता से आपको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी और कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जो इस यात्रा का संयोजन कर रहे थे, आपने पूरी इस यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश की धरती को कलंकित किया है, इसका जवाब आपको देना चाहिए।